साउथ कश्मीर के खित्ते में दहशतगर्दी का जो माहौल था वो लगभग ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर आवाम की ज़रूरतों के हिसाब से उसके मद्देनज़र यहाँ पर तरक्याती काम तेज़ी से चल रहे हैं। सिक्योरिटी की सुरक्षा से क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियाँ हैं, उनका टाइम टू टाइम रिव्यू लिया जाता है। और पुलिस की इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुलिस के लिए नहायत ज़रूरी है, इसके बढ़ते हुए कद और बढ़ते हुए साइज़ के हिसाब से उनको एडिशन, रिपेयर, रेनोवेशन, उस तरह के काम जो हैं वो होते रहते हैं। आज के इस विज़िट में मीरगुंड से शुरू करके मीरगुंड चौकी नई तमीर करी, कुछ रिपेयर रेनोवेशन हुई, उसकी इनॉग्रेशन हुई। उसके बाद रास्ते में एसएसबी और जवानों के साथ पट्टन में दरबार हुआ, जहां पर जीआईसी रेनोवेट हुई। उसके अलावा कुछ नाके नए तमीर हुए, जवानों के खाने की जगह, डाइनिंग हॉल, रिक्रिएशन की जगह, रहने की जगह, चाय पानी की जगह और ऑपरेशन करने की जगह, वो सब रेनोवेट हुई। कुछ जगह पे नए एडिशन हुए, उन सबको इनॉग्रेट किया गया। और साथ ही साथ ये पूरी रेंज के ऑफिसर्स इस वक्त हाजिर हैं। बाकी ज़िलों की सुरक्षा की क्या इस वक्त सूरत हाल है, उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास किस तरह के हालात हैं, उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। और डिप्टी कमिश्नर बात हैं इनके तावन से, जो जहां पर कुछ काम ऐसे हो रहे हैं। आज हमने हमारे शहीद साथी बिंदास के नाम पे बिंदास चौक का भी इनॉग्रेशन किया। आप जानते हैं वो शहीद साथी जिसने दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी, वो शहीद साथी जिसके परिवार वालों के लिए हमदर्दी पेश करने के लिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर खुद उड़ी के पहाड़ी के मकाम में उनके घर पर गए और परिवार के साथ ताजियत की। तो इन सब चीज़ों को देखने करने का जो आज मौका मिला है, और कुछ चीज़ें अभी थोड़ी देर के बाद सिक्योरिटी के नज़रिए से और रिव्यू में आएंगी, उसके बारे में चर्चा होगा। कश्मीर फाइट ब्लॉक बेसिकली जो सर्कस में मौत के कुएं का खेल होता है, उस खेल को चलाने के लिए पाकिस्तान की सरजमीन से चलता है। वो मौत का खेल जो आईएसआई के इशारों पे कश्मीर के लोगों ने लगभग 30 साल से ज़्यादा वक़्त देखा है, वो दरिंदे जो वहाँ पर पाकिस्तान में बैठ के जम्मू कश्मीर के लोगों की शांति, अमन, खुशी, खुशहाली नहीं देख सकते हैं। ये उनका ब्लॉग है, जो इनका ब्लॉग है, जो जहाँ पर हंसते खेलते चेहरों को देख नहीं सकते, जिनको मौत का मातम पसंद है, जो उनका ब्लॉग है। इसीलिए वो जब भी कोई अच्छी बात यहाँ पर होती है, आज अगर 4 साल से पिछले से कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही, उनके पेट में दर्द है। कभी मीडिया को धमकी, कभी लोगों को धमकी, कभी जो लोग लोगों की नुमाइंदगी करते चुन के आए हैं, लोगों के काम करना चाहते हैं, उनको धमकी। ये सारा सिलसिला जो है एक खास नीयत से, रादर बद नीयत से जो है वो उसको आगे चलाया जा रहा है। ये ना सिर्फ निंदा के लायक है, बल्कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। पुलिस ने पहले ही इसमें केस रजिस्टर किया है। इससे पहले भी हम इस तरह के नरेटिव जो चलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं, और इसके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। पत्रकार भाइयों को भी अपना स्टैंड अपनी सोच के मुताबिक लेने की ज़रूरत है, उनको भी किस तरह के खबर। सुबह की खबर है, बांडीपुर के एसपी जहां पर मौजूद हैं, और वहां पर ये कार्रवाई बराबर, जो लोग मिलिटेंसी के साथ किसी भी तरह से व्यवस्था हैं, वो हर रोज़ कार्रवाई चल रही है। इसमें ज़्यादा डिटेल तो अभी शेयर नहीं हो सकेगी, क्योंकि अभी उनको गिरफ्तार किया है, उनकी पूछताछ जारी है। मगर दो लोग जो दहशतगर्दी में शामिल, उनको पकड़ा गया है। इसके बारे में हम लोग इतनी इसकी जो है वो कंफर्मेशन कर रहे हैं। इस वक्त टेररिज्म लोगों की, आवाम की कोऑपरेशन के चलते बहुत हद तक कंट्रोल में है। आज दहशतगर्दों का नंबर जो है वो लगभग 2 डिजिट के अंदर पहुंच गया है, जो जहां के लोकल हैं, और बहुत ज़्यादा कम नंबर हो चुका है जो फॉरेन टेररिस्ट यहाँ पर आकर के कश्मीर को तबाह और बर्बाद करने में लगे थे, उनका भी।
ये कार्रवाई जारी है और मुझे उम्मीद है कि जो अमन का सिलसिला है वो और पुख्ता होगा और दहशतगर्दी को और ज़्यादा समाप्त करने में हम लोग कामयाब होंगे। हाइब्रिड वाकया में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो आदमी रूटीन में काम इंसान की तरह स्टूडेंट की तरह काम करता है और पाकिस्तान से भेजे संदेश के मुताबिक पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर शाम को या तो ग्रेनेड उठाता है या पिस्टल उठाता है और किसी बेगुनाह का कत्ल करता है। हाल ही में इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई जब छोटी उम्र के बच्चे जिनको वर्गलाया गया है, जिनको बार बार इस तरफ धकेला जा रहा है दहशतगर्दी की तरफ, उनको पाकिस्तान से उनके हैंडलर जो हैं वो कोई टारगेट देते हैं, टारगेट देने के लिए टारगेट एक्सिक्यूट करने के लिए वेपन देते हैं या ग्रेनेड देते हैं और उस दहशतगर्दी की कार्रवाई के साथ वो मिलिटेंसी की सफ़ों में तो शामिल हो जाता है, मगर जब तक पकड़ा नहीं जाता या जब तक आइडेंटिफाई नहीं होता तब तक वो आम तरह की शहरी की तरह रहता है।